जय हिंद दोस्तों, आपका मैं चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल विज्ञान। तो कहते हैं कि मन मलिन वस्त्र सुंदर कैसे, तो दूसरों की जो सर्दियों में दूसरों की जो आग जलती है ना, उस पर हाथ सेकने बहुत मजा आता है। घर फूंक के तमाशा देखें तब पता लगता है कि कितना ताप पड़ता है मन पे तन पे। और क्या कि तन को साफ करने के लिए तो ब्यूटी पार्लर चले जाओ, नए नए क्रीम पाउडर साबुन दुनिया भर के हैं। तो क्या है कि आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है कैंटरबरी की 100% कॉन्टेबल की 100% कॉटन शर्ट है ये, और ब्रांडेड शर्ट है, ब्रांडेड शर्ट है मेरी अपनी है। क्योंकि अपने घर को फूंक कर तमाशा दिखाने वाला कोई नहीं है, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। काफी भाइयों का मतलब उनकी जो सोच है कि कुछ चाहिए, तो देखो ये दो केमिकल है, एक ये है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स है, क्लोरीन बेस होता है। दूसरा है ये एशियन स्टेन रिमूवल, ये भी क्लोरीन बेस होता है। अब इसकी दमक दिखाता हूं मैं आपको, ये आप कपड़ा देख रहे हैं, आप पहले इसके ऊपर दिखा देता हूं। इसके ऊपर मैंने ये रेड कपड़ा है, रेड कपड़े के ऊपर मैंने ये लगाया, और लगाते के साथ ही ये व्हाइट हो चुका है, आपको दिख रहा है व्हाइट हो गया, ये जैसे सूखेगा बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, बिल्कुल सूखते के साथ ही व्हाइट हो जाएगा, ये देख रहे हो व्हाइट हो चुका है। तो क्या है अपने शर्ट को, अपने इस शर्ट के ऊपर मैं, आप देख रहे हैं कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा, अपने शर्ट के ऊपर मैंने ये लगाया, और लगाते के साथ ही ये यहां से इसका कलर उड़ चुका है, कलर इसका उड़ चुका है, व्हाइट हो गया यहां से। और ये क्या है इसका परिणाम मैं दिखाता हूं आपको। इससे पहले मैंने जो एक्सपेरिमेंट नीचे किया था, ये देख रहे हो, ये क्रीम कलर की शर्ट है और बिल्कुल व्हाइट हो चुकी है दोनों तरफ से, कोई सा पेंट वेंट नहीं लगा हुआ इधर से भी। और इसका जो ये बटन वाला पट्टी है और ये काज वाली पट्टी है, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल व्हाइट हो चुका है, बिल्कुल व्हाइट। लेकिन क्या है सॉरी क्योंकि तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप सबके लिए अच्छा। वो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि किसी चीज को खराब करना हर एक आदमी जानता है, लेकिन उसको ठीक कैसे करें उसके विषय में मैंने बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन कोई नहीं देखना चाहता, वो बात दूसरी है। इसको हम ढंग से भी सही कर सकते हैं, टचिंग से भी सही कर सकते हैं, परमानेंट भी कर सकते हैं, और ऑर्डरी भी कर सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ऑर्डरी कौन करेगा, बिल्कुल परमानेंट चाहिए हमें, बहुत महंगी शर्ट है, कनार प्लेस से मैं कैंटाबिल की शर्ट ज्यादा पहनता हूँ, कैंटाबिल क्योंकि मेरा अकाउंट वहीं पे था इलाहाबाद बैंक में, तो मेरे वो एक दोस्त बन चुके हैं, तो उसी तरह आपको दिखाता हूं। ये बनियान है, एक येलो कलर पे चल चुकी है, ब्रीच किया, हाइपो किया, रंग काट किया, लेकिन इसने पीलापन नहीं छोड़ा। तो क्या है कि जिद, जिद किसके सामने चलती है, जो हार मान जाता है, जो हार नहीं मानता उसके सामने जिद भी घुटने टेक देती है। मैं दावे से कहता हूं कि मेरी जिंदगी दो चार दिन की है चाहे, सब आपके लिए है, लेकिन क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि कुछ ना कुछ आप सब भाइयों के लिए देके जाऊं,
और आप कस्टमर को धोखा ना देके कस्टमर के साथ में आप न्याय करें तो क्या है, तो उससे तरह क्या होता है, केवल व्हाइट कपड़ा, व्हाइट कपड़े में कलाबरेशन आ जाता है कि बाजू अलग, कॉलर अलग या बैक अलग, फ्रंट अलग हो जाता है। उसको भी रिकवर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, पोटाशियम पर मैग्नेट। इसके पीछे मैंने कई वीडियो पहले बना चुका हूं और इसका जो सूत्र होता है वो होता है, इसका सूत्र है KMnO4। ये डिओडीन होता है इस तरह का, यानी कुओं में और या पानी के अंदर जब कीटाणु पैदा हो जाते हैं तो इसको डाला जाता है उसको शुद्ध करने के लिए। इसका जो पानी है अभी आपको बना के दिखाता हूं क्योंकि अब वीडियो शुरू कर रहा हूं अभी। और इन चीजों को आप हल्के में लें तो हल्के में ले लें, क्योंकि ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने पानी लिया, ये पानी लिया, आपको दिख रहा होगा ये पानी ले लिया मैंने और इसके अंदर चुटकी भर के डालूंगा मैं, तो ये बैंगनी कलर का हो जाएगा कलर उसका। चुटकी भर के मैंने इसमें डाला, ऐसा कलर हो गया बैंगनी कलर का, यानी देख रहे हो आप, बैंगनी कलर का हो गया इससे कलर। और क्या है, उस कपड़े को और जो जिद्दी पीलापन कहता मैं जाऊंगा नहीं, जाएगा क्या, उसका बाप भी जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, तो क्या है, ये एक तरह का ब्लीच वेस है। और मैंने ये बनियान जो पीलेपन पे जा रही है, हटती है कहती मैं हटूंगी नहीं, इसको मैं इसके अंदर डालता हूं, डिप कर दिया, कलर क्या हो गया इसका, बैंगनी कलर हो गया है, जो HIO होता है हमारा ऑप्टिकल वाइटनर, तो इसको 10-15 मिनट इसके अंदर डिप रहने दें। उसके बाद इसको मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या है कि आपके पास टाइम नहीं होता, कस्टमर के कपड़े खराब कर दोगे, चार गालियां सुनोगे, अड़ोसी पड़ोसी सुनोगे और उसके बाद आपकी छाती खराब होगी और उसके बाद आपको उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा मुंह मांगा, और कोई ज्यादा बदतमीज होगा तो आपसे चार गुना पैसे भी वो चार्ज कर सकता है। लेकिन क्या कि आप सीखना ही नहीं चाहते तो हाथ पकड़ के कोई नहीं सिखाना चाहता। उसी तरह मैंने एक भाई को नंबर दे दिया था तो उसका फोन आया कि मैं आपको 25,000 रुपए दूंगा और आप अपने घर का एड्रेस बताओ, मैं हर हफ्ते आपके पास आऊंगा, आपसे सीखूंगा और आप जो बताओगे वो यूट्यूब पे नहीं डालोगे। तो आपको बता देना चाहता हूं, जो गलतफहमी के शिकार है, सन 1988 में जो मैं कॉन्ट्रेक्टर था, मेरा नोएडा गुड़गांव फरीदाबाद यानी 120 किलोमीटर का ये चक्कर पड़ता है, 1,88,000 रुपए मैंने प्रॉफिट कमाया था उस टाइम, कि जब हजार की कीमत कितनी होती थी उस टाइम, लॉस भी मैंने लाखों का उठाया है, लेकिन मैंने लेयर को कभी परेशान नहीं किया, 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होने दी उनकी पेमेंट देने में। तो हमने ये डाला और मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूं आपको, तो इसका कलर डालना चाहिए था 15-20 मिनट के लिए, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए आपको दिखा देता हूं अभी, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं तो खाली हूं बिल्कुल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आप इसको देखें, इसका अब कलर क्या हो गया है, कितना गंदा कलर हो गया है, बिल्कुल गंदा कलर हो चुका है बिल्कुल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पानी को फेंक देते हैं और एक बार इसको इसमें खंगाल लेते हैं, सादा पानी में, सादा पानी में खंगाल लिया है और सादा पानी में खंगालने के बाद इस पर निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद में हमें करना क्या है, इसमें करना है सोडियम हाइड्रोसल्फेट, ये मैंने खंगाल दिया और खंगाल के पानी फेंक रहा हूं अभी, ये पानी फेंक दिया है
और मैंने और नया पानी ले लिया है, और नया पानी लेने के बाद मैं इसके अंदर अब डालूंगा सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंकाट डालूंगा इसके अंदर, और उसको भी आपको 15-20 मिनट डिप करना है। ये रंकाट है, ये पुड़िया बांध के लेके आया हूँ, ये आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद ज्यादा नहीं डालना आपको, एक चम्मच, और इसको मिला दिया। मिलाने के बाद इसको हमने इसमें डिप कर दिया है। जितना पीलापन था इसका कट चुका है, बिल्कुल कट चुका है, ये आप देख लो कितना व्हाइट हो गया है, क्योंकि जो टाइमिंग है वो टाइम तो मैंने ले नहीं है, टाइमिंग चाहिए थी हमें इसके लिए, कम से कम 15 मिनट कम से कम डिप करना था उसमें पोटेशियम परमैंगनेट में, और कम से कम 10-15 मिनट उसमें डिप करना था इसके अंदर। लेकिन क्या है, फिर भी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल व्हाइट हो चुकी है। अब इसको क्या करते हैं, एक बार सादा पानी में खंगालने के बाद इसको किसी भी डिटर्जेंट से जो आपके पास है, जो आप यूज करते हैं, क्योंकि वीडियो को मैं थोड़ा इसमें, चाहे तो सरफ डाल सकते हैं आप, ये सरफ है मेरे पास, सरफ भी है, सरफ लेके आया हूं नीचे से, नीले वाला सरफ ये, लेकिन मैं इसको NID में करूंगा, NID नॉनिक लिक्विड सोप, ये थोड़ा सा डालूंगा, जम चुका है ये भी, क्योंकि केमिकल मेरे पुराने हो चुके हैं। ये थोड़ा सा डाला, और डालने के बाद में मैं इसको कपड़े को इसमें डिप करता हूं, ये बनियान को इसमें डिप करता हूं, अब इसकी आप वाइडनेस देखिए, अब आप इसकी वाइडनेस देखिए, वाइडनेस क्या कह रही है, वाइडनेस बिल्कुल शोरूम से जैसे आती है, बिल्कुल सफेद वाइट, बिल्कुल वाइट हो चुकी है। तो क्या है दोस्तों, कोई भी चीज असंभव नहीं है, वो उसी तरह है। मैं जो मेरी ये शर्ट है इसको भी न्यूट्रल कर लेता हूँ, और इसमें डाई करूंगा, क्योंकि डाई करूंगा अपनी मनपसंद, अब के मैं इसको हल्का सा ब्लू कलर पे डाई करूंगा, और उसके बाद में आपको दिखाऊंगा भी कि इसके क्या परिणाम है। तो दोस्तों, कोई भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन क्या है कि हिम्मत और हौसला होना चाहिए। तो दोस्तों, उसी तरह अभी आपको दिखाता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो क्या है कि किसी भी कपड़े का कलर डिस्कवर हो जाए, यानी डिफेक्ट हो जाए, किसी व्हाइट गार्मेंट्स का कलर डिफेक्ट हो जाता है, इसको करने के लिए आप पोटेशियम परमैंगनेट में डाले, यानी जिसको पिंकी बोलते हैं, उसे और कई नाम है, उसको पिंकी भी बोलते हैं, लाल दवाई बोलते हैं, कैमेलिन मिनरल बोलते हैं, इसको परमानेंट ऑफ पोटाश बोलते हैं, तो कई नामों से ये जाना जाता है, और वस्त्र उद्योग में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, आपको कोई भी गलतफहमी हो, आप बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे, जितना मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता मैं बिल्कुल गुणवान हूं, क्योंकि अपने आप को मैं हेल्पर से ज्यादा नहीं समझता, एक हेल्पर होता है जैसे हेल्पर, कि मैंने जिंदगी में अभी तक कुछ नहीं सीखा एक तरह का। तो दोस्तों, आप बने रहे, जुड़े रहे, मिलते दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।